सुबह परेशान था, ढंग से नाश्ता भी नहीं करके गया। और माया को तो कोई परवाह ही नहीं कि सब कितने परेशान। माया की बात नहीं है, उसकी परेशानी की वजह कुछ और है। क्या बात है आपा, खैरियत तो है? हाँ, बस काफी दिनों से उसकी तहज्जुद छूट रही है। पहले तो दिन में कम से कम 2 बार अजान देता था, अब उसकी जमात भी छूट गई, बस यही परेशानी है उसे। सुभान अल्लाह, बड़े प्यारा बेटा है मोमिन हमारा। अल्लाह की खास इनायत है उस पर जो अपनी इबादतों का इतना ख्याल रखता है। हाँ, बस अल्लाह हर दुख से महफूज रखे मेरे मोमिन को और हर परेशानी से निजात दे उसे। आप, मैं जरा आशी से मिला। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब लग रही हूँ ना दुल्हन की तरह? बस ऐसे ही तैयार रहा करो, यही तो दिन है बनने सवरने के। आप दोनों बहनों ने कायल कर दिया इस बात पर मुझे। देखो बेटा, जो हो गया ना उसे बदला नहीं जा सकता। माया के जाने में ना तुम्हारा कसूर है ना ही मोमिन का। अब जब वो अपनी मर्जी से गई है तो उसके जाने से घर के माहौल पे असर नहीं पड़ना चाहिए। खाला भी ये बात करती, क्योंकि वो जानती है बेटा कि इन हालात में मोमिन कितना परेशान है। लोग सवाल पूछते हैं, आखिर मर्द है, हो गई कोई ऐसी बात जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका होगा। खैर बहरहाल, तुम अब उससे कोई सवाल जवाब मत करो। आप मेरी फिक्र मत करें, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस अब मैं चलती हूँ, मोमिन भी आता ही होगा। अम्मी अभी तो आई है आप, थोड़ी देर मेरे साथ तो बैठी। अरे बेटा, मैं तो बहुत देर से आपा के पास बैठी हुई थी। दरअसल एक उलझन के साथ आई थी, लेकिन तुम्हें इतना खुश देखकर उलझन भी खत्म हो गई। मेरी फिक्र मत किया करें, इस घर में सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह तुम सबको इसी तरह मोहब्बत से जुड़ा रखे। जान खुश रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।